नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मैं अभिषेक, और स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉफी संडे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टोकरेंसी के तीन बेसिक प्रिंसिपल्स की या कॉन्सेप्ट की। और ये कॉन्सेप्ट्स हैं, अरे जरा रुको यार, कर लेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले कॉफी। कॉफी तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टोकरेंसी के तीन कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो देखने के बाद आप किसी के सामने भी क्रिप्टोकरेंसी के बेसिक्स के बारे में बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, या फिर आप उसको समझा पाएंगे कि क्रिप्टोकरेंसी काम कैसे करती है। तो पहला बेसिक है क्रिप्टोग्राफी, उसके बाद दूसरा है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, और तीसरा है गेम थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की, इज दैट ओके? हाँ, क्रिप्टोग्राफी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वही आप क्रिप्टोकरेंसी बोल रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी तो क्रिप्टोकरेंसी में ही इंक्लूडेड है, तो जरा बात करें पहले। उससे पहले अभिषेक भाई, ये बताइए कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, मैं इसके लिए जरा अपने बचपन में जाऊंगा। जब मैं छोटा था और मुझे किसी अपने फ्रेंड को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता था, तो मैं उसे चेंज कर देता था, गर्लफ्रेंड को भेजा, जो आप बोलना चाहें, आपकी जैसी इच्छा। तो जो सीक्रेट मैसेज होता था, मैं उस मैसेज को थोड़ा चेंज कर देता था। तब मुझे समझ में नहीं आया, बट तब भी मैं क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर रहा था। तो उसका मकसद क्या था कि मैं उस मैसेज को ऐसे चेंज कर देता कि अगर उसका, मेरी गर्लफ्रेंड का बाप, अगर उसको वो बीच में मैसेज मिल जाए तो वो समझ ना पाए कि मैं क्या मैसेज बोल रहा हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी का, कि अगर एक इनपुट मैसेज है, मैं उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू पास करके उसे ऐसे बदल लूँगा कि जो मेरा रेसिपिएंट है, जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ, अगर उसके अलावा किसी और को मिल गया तो वो समझ ना सके कि मैंने क्या मैसेज भेजा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्रिप्टोग्राफी का। अब मैंने इसे बहुत सिंपल से समझाया, इसमें बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इनपुट मैसेज है, उसको मैंने एल्गोरिथम के थ्रू पास किया, जो आउटपुट मैसेज निकला वो किसी बीच थर्ड पार्टी को अगर मिल भी जाए तो वो ये नहीं समझ सकता कि ओरिजिनल मैसेज क्या था। एग्जैक्टली, ये है क्रिप्टोग्राफी। एग्जैक्टली, तो ये क्रिप्टोग्राफी आपने बताई, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी यूज कैसे होती है। क्रिप्टोकरेंसी में क्रिप्टोग्राफी यूज होती है तीन चीजों के लिए। पहली है इम्यूटेबिलिटी, अगर आपको चाहिए कि आपकी ब्लॉकचेन या फिर ब्लॉकचेन से निकली क्रिप्टोकरेंसी इम्यूटेबल हो, जो आपका ट्रांजेक्शन है उसको कोई चेंज ना कर पाए, उसके लिए होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ये समझाएंगे क्यों। इम्यूटेबिलिटी तो समझ में आ गया, बट क्यों इंपॉर्टेंट है? इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन कर लिया है उसको चेंज नहीं कर सकते। और आपने पूछा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्लॉकचेन का पूरा प्रिंसिपल बेस है ट्रस्ट में, और सबसे बड़ा ट्रस्ट ये है कि जो भी उसमें ट्रांजेक्शन हो गए हैं उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो जरा सरल भाषा में अगर मैं समझूं आप क्या कह रहे हैं, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो मैं आज बैंक गया, मैंने बैंक में से निकाले 100 रुपए, एग्जैक्टली, और पीछे से जैसे ही मैं बाहर निकला बैंक से, वहां बैंक के किसी कर्मचारी ने उस ट्रांजेक्शन चेंज करके 100 के 1000 नहीं कर दिए। हाँ। नहीं तो आपने निकाले सिर्फ 100 रुपए और आपके अकाउंट से निकल के 1000 रुपए, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन था उसको बैंक के एम्प्लॉय ने चेंज कर दिया। ऐसा ना हो ब्लॉकचेन में या फिर क्रिप्टोकरेंसी में, इसके लिए हमको चाहिए इम्यूटेबिलिटी। ओके, तो आप समझ में आया कि इम्यूटेबिलिटी चीज क्या है। एग्जैक्टली, मतलब आप ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, और इसके लिए हम यूज करते हैं हैशिंग और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिनको हम डिटेल में दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर आपने मुझको बिटकॉइन भेजे हैं या मुझको क्रिप्टोकरेंसी भेजी है, तो उसको कोई और हैक ना कर ले, उसको कोई और यूज ना कर ले। और इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है पब्लिक और प्राइवेट की का। लेकिन बट आप यू नो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, तो जो मुझे समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हैं कि अगर मैं वही बैंक का एग्जांपल लूं, मैं बैंक में अगर चेक जमा करता हूं तो exactly. चेक पे होता है एक सिग्नेचर। exactly. और वो सिग्नेचर किस लिए यूज होता है कि जो इसने मुझे चेक दिया है वो वही है, उसी ने दिया है या किसी और ने दिया है, उसको वेरीफाई करने के लिए। तो बैंक के पास रिकॉर्ड होता है उसके सिग्नेचर का, वो उसे कंपेयर करता है, बोलता है हाँ ये ठीक चेक है और जो सही ओनर है उस अकाउंट का उसने इशू किया है। exactly. क्रिप्टोकरेंसी के वर्ल्ड में ये फिजिकल सिग्नेचर तो होता नहीं। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में सिंस सिग्नेचर नहीं है साइन करने वाला, क्योंकि अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर करूंगा तो कोई भी कॉपी कर सकता है। right. इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट पब्लिक और प्राइवेट की का। पब्लिक की आपका पब्लिक एड्रेस होता है जिसको कोई भी देख सकता है, उसे उस पर आप पैसे रिसीव कर सकते हैं। प्राइवेट की वो की होती है जो उस लॉक को एक तरीके से खोलेगी, या फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर। और इस कॉन्सेप्ट को हम और डिटेल में समझाएंगे आने वाले वीडियोज में, क्योंकि ये सीरीज है ही आपको क्रिप्टो लिटरेट बनाने के लिए। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है क्रिएशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोग्राफी का यूज क्रिएशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी के लिए भी होता है, मतलब अगर आपको नए यूनिट्स बनाने हैं क्रिप्टोकरेंसी के, तो वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के थ्रू जाती है और फिर बनती है आपकी क्रिप्टोकरेंसी, खासकर POW या फिर प्रूफ ऑफ वर्क
कॉन्सेप्ट में। अगेन इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये तीन पॉइंट्स है कि हमें क्रिप्टोकरेंसी में क्रिप्टोग्राफी क्यों चाहिए होती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है क्रिप्टोकरेंसी का, जिसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, क्योंकि सारी की सारी क्रिप्टोकरेंसी या ब्लॉकचेन इसमें बहुत ज्यादा रिलाई करती है। इसको समझाएंगे अभिषेक भाई। अभिषेक भाई आप बताइए कि पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्यों चाहिए। चलिए हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होती क्या है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग आप लोगों ने सब फैमिलियर होंगे, एक कॉन्सेप्ट था बिटटॉरेंट का, राइट। बिटटॉरेंट के लिए यूज होता था फाइल शेयर करने के लिए, बहुत लोगों ने उसको यूज किया मूवी शेयर करने के लिए। हम उसे प्रमोट नहीं करते, बट वो एक बहुत बड़ा यूज केस था बिटटॉरेंट का। नाउ बिटटॉरेंट किस लिए सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसमें कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं था। लोग अपने मशीन्स पे, अपने डेस्कटॉप्स पे, अपने पीसीज पे फाइल्स रखते थे और वो सबके साथ शेयर हो सकती थी। तो कहीं भी सेंट्रल स्टोरेज नहीं था, सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था। और आप एक ही टाइम पे एक मूवी को 5-6 रिसोर्सेज 10 सोर्सेज से पुल कर सकते थे। फास्ट भी होता था और सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर यही सब कुछ एक सेंट्रल सर्वर पे होता और बहुत सारे हजारों लाखों लोग उस सेंट्रल सर्वर को हिट कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी वो सेंट्रल सर्वर डाउन हो जाएगा, मेरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो क्रिप्टोकरेंसी जो उसका ओरिजिन था वो इस तरह से शुरू हुआ था कि मुझे सेंट्रल कंट्रोल हटाना है। सेंट्रल कंट्रोल का क्या मतलब हुआ करेंसीज में, अगर आप थोड़ा सोचें तो आजकल दुनिया में जितनी भी रेगुलर करेंसी है, जैसे हम फिएट करेंसी कहते हैं, रुपया डॉलर, रुपया या डॉलर या कैनेडियन डॉलर, हम लोग कनाडा में भेज रहे हैं, हमारे लिए तो कैनेडियन डॉलर ही है, वो सब सेंट्रल बैंक और सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटीज द्वारा कंट्रोल होती है। वो ही सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी उसे इशू करती है, वो ही डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या गिरेंगे, उसके हिसाब से करेंसी की वैल्यू ऊपर या नीचे जाती है। और यहां पे एक बात मैं सॉरी बोलना चाहूंगा बीच में, कि इन सब के चलते वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि आपको एक बैंक में अकाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये भी है कि आप अपने पैसे को सिक्योरली बैंक में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट, कि अगर आपके पास आपकी कुछ कंडीशन को देख के हो सकता है कि आपको बैंक अकाउंट ही अलाउ ना करे। और क्रिप्टोकरेंसी में ऐसा नहीं होता, हर एक तो क्रिप्टोकरेंसी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम अनेबल करें कि कोई भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के किसी भी दूसरे कोने में किसी को भी पैसा भेज सके और उसके साथ सर्विसेज एक्सचेंज कर सके। अगर आप रेगुलर करेंसी में देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको या तो बैंक अकाउंट चाहिए या आपको क्रेडिट अकाउंट चाहिए, और ये सब कंट्रोल होता है सेंट्रल अथॉरिटीज और बैंक्स, और ये कंट्रोल करते हैं कि किसको कितना एक्सेस है करेंसी पे। उसके अलावा खूब सारी फीस देनी पड़ती है अपने बैंक को, उसके बैंक को। तो 100 रुपए जो आप भेजोगे यहाँ से वहां, हो सकता है 70 रुपए पहुंचे, और जब उसको मल्टीप्लाई कर लो आप 1000 से, तो कितने का लॉस हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो क्रिप्टोकरेंसीज का जन्म ही इसलिए हुआ था कि हम ये सेंट्रल कंट्रोल हटाएं। बट अगर हम ये सेंट्रल कंट्रोल हटा रहे हैं तो कैसे एक्सचेंज होगा, कैसे हम हटाएंगे कि कोई सेंट्रल कंट्रोल ना हो, कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। यहीं पे आता है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जो कि एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है, बिटटॉरेंट्स में यूज हो चुका है। वो पूरा जो क्रिप्टोकरेंसीज का जो नेटवर्क है वो कोई एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क नहीं है, वो हजारों लाखों नोड से बना हुआ है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। और ये नोड्स यहां पर कोई नोड्स ऐसे नहीं, कंप्यूटर्स होते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, राइट। और इन्हीं कंप्यूटर्स में अगर पीओडब्ल्यू की बात करें, प्रूफ ऑफ वर्क की करें, तो माइनिंग होती है, और इन्हीं नोड्स को एक तरीके से माइनर्स भी बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है वो अनेबल करता है इन सारी नोड्स, इन सारी माइनर्स को आपस में बात करने के लिए, कि अगर मैंने एक कोई ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया है और वो ट्रांजैक्शन मुझे बाकी सारे नोड्स के पास भेजना है, तो मैं पीयर टू पीयर नेटवर्किंग यूज करता हूँ उसे प्रोपोगेट करने के लिए। और विदाउट एनी सेंट्रल कंट्रोल, बिना किसी सेंट्रल सर्वर के, मैं पूरे नेटवर्क में ये फैला सकता हूँ बहुत ही आसानी से, और कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा सेंट्रल जगह में, और बहुत फास्ट सेंट्रल फेलियर नहीं है। सेंट्रल फेलियर, सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है और सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं है, और सिंपल सी बात यह है कि बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन फैलेगा। इसलिए पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, वो इसलिए ये इतना कोर है क्रिप्टो करेंसी के लिए। ठीक है, तो आपको अब पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के बारे में समझ में आ गया। नहीं, एक बात यहाँ पूछनी है मुझे, हाँ बताइए, कि ये जो लोग जुड़ते हैं इनको क्या फायदा है इसमें जुड़ने का, जो नेटवर्क में मैं आ रहा हूँ इसमें जुड़ने का फायदा क्या है पहली बात, और ये लोग जो कर रहे हैं, जो माइनर्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये चीटिंग क्यों नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये सतोशी नाकामोटो जिसने, अब ये एक आदमी था या ग्रुप था या जो भी था, जिन्होंने ये ओरिजिनल वाइट पेपर निकाला, उन्होंने काफ़ी इस पर रिसर्च करी, तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन
को अटैक किया और उन्होंने कहा कि कैसे हम इंश्योर करेंगे कि ये जो संदीप ने जैसे कहा कि ये जो नोड्स हैं या जो माइनर्स हैं वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो है अपने इंटरेस्ट और पूरे नेटवर्क के इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो है गेम थ्योरी का। गेम थ्योरी अब वर्ड कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा सा लगता है बट काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। गेम थ्योरी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है और ये इसका यूज़ होता था कि अगर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मार्केट के बारे में बात करें तो वो मार्केट वो भी हो सकता है जहां आप रोज़ सब्जी तरकारी खरीदने जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हैं या सर्विसेज खरीदने जाते हैं। तो जो एक कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है जिसका मतलब है कि वहां पे इनफ कंपटीशन है कि एक ही वो नहीं है बेचने वाला, इनफ कंपटीशन है। तो अगर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है तो गेम थ्योरी वो प्रिडिक्ट करती है कि उस कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे और वो ये बोलती है कि अगर एक कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस है तो जब सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बिहेव करेंगे कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे और दूसरा वो ओवरऑल मार्केट प्लेस के डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे क्योंकि अगर वो मार्केट प्लेस डिस्ट्रॉय हो गया तो उनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो गई। यहाँ पे गेहूं की बात नहीं हो रही, अभी आप गेहूं चावल की बात करो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो उसको बिटकॉइन कैसे समझाओ, बिटकॉइन जो खरीद रहा है वो या फिर कौन इसको डिस्ट्रॉय। हाँ, तो जो बिटकॉइन जो है वो भी एक मार्केट प्लेस है और उसमें हम देखेंगे पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं। तो बिटकॉइन मार्केट प्लेस की तरह मान रहे हो कि आप बिटकॉइन को मार्केट प्लेस बोल रहे हो? नहीं, बिटकॉइन भी सारी जो हर चीज जो भी एक सर्विस है वो सब एक मार्केट प्लेस ही तो है। जो बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है वो एक मार्केट प्लेस की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं और उस मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेंट्स कौन है, एक तो हम और तुम हो गए जो यूजर्स हैं जो बिटकॉइन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं कुछ सर्विसेज के लिए कर रहा हूँ या मैं किसी को पे कर रहा हूँ तो हम पार्टिसिपेंट हैं जो कि यूजर हैं जो कि बिटकॉइंस एक्सचेंज करते हैं। और दूसरे टाइप के पार्टिसिपेंट्स हैं वो है माइनर्स। और माइनर्स क्या करते हैं, जैसे हमने पहले बात करी, माइनर्स वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे हम गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि जो माइनर्स हैं वो एक तो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे और दूसरा जो ओवरऑल मेरी बिटकॉइन की जो मार्केट प्लेस है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करेंगे। तो क्या उनका बिहेवियर होगा जो कि दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा? तो पहला बिहेवियर है अपना इंटरेस्ट, तो वो क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड मिलता है उनका बेस्ट इंटरेस्ट ये होता है कि मैं अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करूं, इसीलिए वो आते हैं मार्केट प्लेस में और अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी को खर्च करके माइन करते हैं, जैसे कंप्यूटर लेके आते हैं, राइट, लेके आते नहीं तो कोई क्यों आएगा? क्यों, अगर मैं सिर्फ अपनी कंप्यूटिंग कैपेसिटी यहाँ पे लगा रहा हूँ और मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्यों? रिवॉर्ड जो बिटकॉइन के रूप में मिल रहा है वो पहला हो गया, राइट, तो मैं उस रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैक्सिमाइज कैसे करूंगा, मैं मोर एंड मोर कंप्यूटिंग कैपेसिटी डालूंगा, मोर एंड मोर माइनिंग करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड। ये गेम थ्योरी का पहला पॉइंट है, पहला मैक्सिमाइज खुद का प्रॉफिट, राइट, ये आप माइनिंग से कर रहे हो, राइट। दूसरा जो है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मैं मार्केट प्लेस को डिस्ट्रॉय ना करूं और मेरा बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि मार्केट प्लेस अच्छा रहे। तो अगर हम ये सोचें कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे माइनिंग के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है बट मैं गलत माइनिंग भी कर सकता हूँ, उसके लिए भी मुझे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता हूँ, गलत ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता हूँ या मैं गलत ट्रांजेक्शन डाल सकता हूँ, उसके लिए भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बट उससे क्या होगा कि जो पूरा मार्केट प्लेस है अगर गलत ट्रांजेक्शन आते जा रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा बिटकॉइन में और बिटकॉइन का जो पूरा मार्केट प्लेस है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर मैं माइनर हूं तो मैं गलत ट्रांजैक्शंस उसमें डालूं और अगर मैं डालूं और या उनको वेरीफाई करूं, और अगर मैंने डाल भी दिया तो बाकी जो माइनर्स हैं क्योंकि उनका बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि मार्केट प्लेस चलता रहे, साफ सुथरा रहे, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे और जहां पे वो रिजेक्ट होगा वहां पे जो मेरा रिवॉर्ड है वो जीरो हो जाएगा। तो जो मैंने कंप्यूटिंग पावर यूज की है, बिजली पानी यूज किया हुआ है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, सब वेस्ट चला गया। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट जिससे कि जो पूरा मार्केट प्लेस है, जो पूरा एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, ये बचा रहता है, राइट। तो गेम थ्योरी इसको ऐसे एक्सप्लेन करती है। तो हमने आज तीन कॉन्सेप्ट की बात करी, हमने क्रिप्टोग्राफी की बात करी, हमने पीयर टू पीयर नेटवर्किंग की बात करी और गेम थ्योरी की बात करी। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग समझ लें कि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं ये कुछ नए नहीं है, ये काफ़ी टाइम से है और ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है। बट जो ब्यूटी है, जो सतोशी की जो वाइट पेपर की ब्यूटी थी, उन्होंने एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके और उन्हें कंबाइन करके जो प्रपोजल निकाला, उसने जो पुरानी डिजिटल करेंसीज की सारी शॉर्टकमिंग्स थी, जो बुराइयां थी, उनको ओवरकम किया। और एक तरीके से फ्यूचर का मनी,
या फ्यूचर का पैसा बिटकॉइन हमको दे दिया। और अगर आप देखें तो कितना सुंदर है बिटकॉइन, आप इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते और इसके ट्रांजेक्शन बहुत सिक्योर होते हैं और इसको जनरेट करने की एक प्रोसेस होती है और इस सबको गवर्न करती है गेम थ्योरी। तो आशा करते हैं कि आपने आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में किसी से बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका आज की वीडियो को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभिषेक और मैं दोनों उन कमेंट्स को पढ़ते हैं और अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को बताएं, अपने संगियों को बताएं ताकि वो भी देख सके और बन सके क्रिप्टो अवेयर, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही है क्रिप्टो की अवेयरनेस को फैलाना। और हाँ, अगर आज आपका पहला दिन है चैनल में तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि सब कुछ बात की भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड क्रिप्टो शेयर्स।